अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वो आपका लेक्चर नंबर 26 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन मैट 202। और इसके अंदर जो आपके पास है ना, ये सिक्स्थ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, सिक्स्थ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और हैं भी नॉन होमोजेनियस। आगे बता भी दिया है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी निकालना है, इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, दोनों को ऐड करके लिखना है। मेथड अभी तक आपने एक ही पढ़ा है, और देखें ये जनरल सॉल्यूशन का इन्होंने बता दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री भी आता है और इसमें पार्टिकुलर भी आता है। मेथड एक ही पड़ा है, वो है अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर वाई पी यूज द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। और तो कोई मेथड आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अब आपको पहचान हो जानी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स से सॉल्व होंगे। ये वाला देखें, अब इसमें देखें वो डी वही चीज है जैसे क्यूब का लिखा हुआ है जी, के डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव शो कर रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव शो कर रहा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव शो कर रहा है, लेकिन राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल है। जो मैंने एक्सपोनेंशियल का आपको तरीका बताया था वही करना होगा। और अब अगर दिमाग में ये आ रहा है जी के ये तो जी थर्ड ऑर्डर है, हमने तो सेकंड का किया हुआ है, लेकिन मेन टेक्निक वही होगी, आपने यही देखना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी, उसको सॉल्व करना होगा, उसके रूट्स, बाकी आपने वही देखना है कि एक्स के साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 जो उसका रूट तो नहीं बन रहा, वो जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन है, बन रहा है तो फिर क्या लिखना है, नहीं बन रहा तो क्या लिखना है, फिर आगे चलाना है, लेकिन ट्राई जरूर करें। देखें इसी तरह आपका दिमाग खुलेगा, बजाय कि नहीं जी हमने तो सेकंड ऑर्डर किया, एक आगे आ गया। फिर इसमें देखें ये भी एक्सपोनेंशियल है, इसमें भी देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वही होमोजीनियस इक्वेशन जो बनती है कॉरस्पॉन्डिंग, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके रूट्स फिर देखना पड़ेगा, -2 रूट तो नहीं है, अगर है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। फिर इसी तरह से ये वाला है, ये चले अब डी ऑपरेटर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी एक्सपोनेंशियल है। फिर उसके बाद ये वाला, अच्छा इस क्वेश्चन का मैं खास तौर पे कहूंगा प्लीज जरूर कर लीजिएगा, इसकी रीजन मैं आगे बताऊंगा। ये जो आपके पास है ना, असल में तो ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स के लिए, यहाँ पे वाई ऑपरेटर है, ये डी वाई डी एक्स है, ये वाला 3e पावर x, और ये वाला ऑपरेटर है, इसको जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये अब आपके पास आ गया जिसको में है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का भी आपने सीख लिया, और इसमें जो आपके पास वाई पी सपोज करना पड़ेगा वो ऐसे ही होगा, a cos 3x plus b sin 3x, x से करना है मल्टीप्लाई का नहीं करना, वो तो जब ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकलेगी, उसके रूट्स निकलेंगे तब पता लगेगा। ये वाला जो आपके पास आ रहा है, इसका वो भी ध्यान से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, d स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यहां पे 2 cos 2x, ये मैं बताऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन को मैंने खास तौर पे कहा और सिक्स्थ को, अब जरा मैं ऐसा जाता हूं, अब कहता है कंसिडर करें सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ है। बिल्कुल वैसे ही, ये तो पहले कई बार पहले भी पिछले लेक्चर्स की स्लाइड्स में अपीयर हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एफ ऑफ एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 है तभी नॉन होमोजेनियस है। ये ले आ गई चॉकलेट, ये नॉन का मतलब है ये एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे देख लें ये कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट, ये पी और क्यू की बात कर रहा है, ये तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 1 है, और आपने ये कहा था कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, या तो एक्सपोनेंशियल हो या साइन कॉज हो, और साइन और कॉज के जो आपके पास हैं पावर्स वो आपके पास 1 होनी चाहिए, या पॉलिनोमल, ये है जी पॉलिनोमल, ये ले जी लास्ट केस भी आ गया, और पॉलिनोमल यही है, ये कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर कांस्टेंट है एक्स केयर से, और फिर ए एन है और उसको x पावर n से, ये आपके पास पॉलिनोमल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। अब आप कहेंगे लेस देन क्यों कह रहा हूँ, भाई अगर ए एन 0 हो जाता है तो उसकी डिग्री कम हो जाएगी, लिखा ये हुआ है कि पॉलिनोमल ऑफ डिग्री n, वैसे ज्यादा बेहतर इसको कहा जाए लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि ये अगर जीरो, हाँ अगर यूं कर लें, अगर ये सारे कॉन्स्टेंट स्ट्रिक्टली नॉन जीरो है, या ए एन कम अज कम नॉन जीरो है, तो बस फिर डिग्री और एन का ही पॉलिनोमियल है, ठीक हो गया। अच्छा अब वो कहता है अगर एन टू के बराबर है फिर क्या होगा, यहां तक आएगा, यहां तक ही किए थे ना, यहां पे टू तो यहां पे टू, यहां तक आएगा डिग्री टू का पॉलिनोमियल, यही बनता है। अब जरा इसको गौर से देखें, हालांकि स्टेप बड़ा सिंपल है, ये आपको पहले आता है, डेरिवेटिव आपने लेना है इसका एक्स के लिहाज से, जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे इसका जीरो हो जाएगा, ए वन आ जाएगा जो कि ये लिखा हुआ है, फिर ये जो 2 है ये नीचे उतरेगा, a टू एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब जरा एक चीज बहुत ध्यान से देखें, देखें इसी के बेस पे आपने क्वेश्चंस करने हैं जिनमें राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल होगा। एक बार आपने डिफरेंशिएट किया है, एक बार आपने डेरिवेटिव लिया है, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया है, तो ये जो मेन पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 1 से कम हो गई है, ये सेकेंड डिग्री था ना, ये फर्स्ट डिग्री है, एक बार और ले। अब डेरिवेटिव तो आपको लेना आता है, ए वन का जीरो हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, 2a2, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, एक्स पावर 0। आपने एक बार फिर डिफरेंशिएट किया है तो जो मेन आपके पास है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 थी, लेकिन दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया वो 0 डिग्री का है, यानी कि डिग्री 2 से कम हो गई,
तो जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी डिग्री मेन पॉलिनोमियल की कम होती चली जाएगी, नई पॉलिनोमियल की डिग्री मेन पॉलिनोमियल से इतनी कम होगी जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डेरिवेटिव लिया डिग्री एक से कम होगी, फिर लिया डिग्री दो से कम होगी, इससे बात करो। इस चीज को सामने रखते हुए अब हमने सोचना है कि अगर राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल है तो अब हमने वाई पी या पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या अस्यूम करना है। और ये बता दूं ये वाले ए नॉट, ये वाले ए वन, ये वाला ए टू, ये ए एन, या ये वाला ए नॉट, ये वाला ए वन, ये वाले, ये सारे नोन है, ये सारे नोन है। अब वो कहता है कीपिंग दिस फैक्ट्स इन व्यू कंप्लीट द टेबल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो शायद पता नहीं लगेगा कि पता नहीं कौन सा, ये तो पता ही है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन असल चीज है कि एक बार डिफरेंशिएट किया डिग्री एक से कम हो गई, दोबारा किया तो दो से कम हो गई, मेन पॉलिनोमियल से कंपेयर करें डिग्री। अब देखिए वो कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स ये राइट हैंड साइड पे टर्म जो है वो ये वाली है, ठीक है जी, अब वो कहता है कि अगर आपके पास ये पी भी जीरो के बराबर नहीं है, क्यू भी जीरो के बराबर नहीं है, या सपोज अगर पी जीरो हो जाता है तो आप वाई पी क्या लेंगे, वाई पी क्या अस्यूम करेंगे। इसी तरह से अगर क्यू जीरो हो जाता है तब वाई पी क्या अस्यूम करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास दोनों ही जीरो हो जाते हैं पी और क्यू तब क्या लेंगे। अच्छा अब देखिए मैं हर दफा कहता हूं कि असाइनमेंट जो होती है स्टूडेंट्स के लिए होती है, हमारे लिए नहीं होती। मैं सोल्यूशन इसलिए देता हूं कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहे, कुछ स्टूडेंट्स फाउल करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, सीधा उसको देखते हैं उससे नहीं सीख पाते, और कुछ देखते ही नहीं है वो तो बिल्कुल ही बेड़ा कर लेते हैं। तरीका यही होता है कि आप ट्राई करें और उसके बाद मसला हो तो सोल्यूशन देखें, तब भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस करें। सोल्यूशन मैं इसलिए देता हूं कि आप कंफर्टेबल रहे, हर वक्त टीचर अवेलेबल नहीं होते, सीधी सी बात है। ये तरीका मैंने अपने यूके में जो मेरे पीएचडी सुपरवाइजर थे उनसे सीखा था, वो हमें असाइनमेंट का सलूशन दे देते थे, हम ईमानदारी से पहले खुद करते थे, फंस जाते थे तो वहां से देखते थे, फिर भी ना समझ आता उनसे पूछ लेते थे। अब जरा थोड़ा सा देखें, मैं आपको हिंट देने लगा हूं। अब वो कहता है पी भी जीरो नहीं है और क्यू भी जीरो नहीं है, या सपोज करें पी जीरो, चले पहले हम कहते हैं दोनों जीरो नहीं है, तो देखें असल चीज है कि जो आपके पास राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल की डिग्री है वही लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। वाई को कुछ अस्यूम करेंगे ना, वाई को ऐसे ही अस्यूम कर लेंगे आप। ये देखें मैं सपोज करता हूँ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिर सुने ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब इसमें ए बी सी तीनों हैं अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, मेन चीज आपने देखनी है कि जो डिग्री पॉलिनोमियल की राइट हैंड साइड पे है वही लेफ्ट हैंड साइड पे हो, और सुने मेन चीज आपने देखनी है कि जो डिग्री पॉलिनोमियल के राइट हैंड साइड पे आ रही है वही डिग्री पॉलिनोमियल के लेफ्ट हैंड साइड पे, वरना आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर नहीं कर सकते। किसके कोएफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर के, एक्स का और कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे देखें या क्योंकि y मौजूद है, यहां से तो दो डिग्री कम हो जाती है, यहां से भी एक कम हो जाती है, y मौजूद है ना, तो जो डिग्री लेफ्ट साइड पे होगी वही राइट साइड पे होगी। तो अगर ये वाला केस हो जाता है तो आपने इसी तरह के अस्यूम करना है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन केस अगर p जीरो भी हो जाता है, ये टर्म जीरो हो रही है ना, ये तो अभी भी मौजूद है, तब भी यही अस्यूम करना है, इस पर और सोच लीजिएगा। अगर q जीरो हो जाता है, अब ये एक आ गया, अगर q जीरो है तो देखें y वाली टर्म गई, इसने एक डिग्री कम कर देनी है, इसने दो कम कर देनी है, तो वो जो पहले पहले अस्यूम किया था ना ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मैं बता नहीं रहा, असाइनमेंट आपके लिए। इधर आप कहते होंगे अच्छा जी अब तो ये दोनों ही जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये तो दो डिग्री कम कर देगा, एक्स स्क्वायर से करते मल्टीप्लाई, गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसमें हैरान कुन तौर पर यह बात है ये इजिएस्ट है। अगर ये दोनों जीरो होंगे तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखें ये टर्म भी गायब है ये भी गायब है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स के रिजल्ट टू एफ ऑफ एक्स, इसको दो बार इंटीग्रेट करें आंसर आ जाएगा, उसके अंदर ही पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, उसके अंदर ही आपके पास जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ जाएगा। देख लें एक तरह से मैंने बता ही दिया सारा आपको। तो अब ये सारा देखते हुए उसने कहा कि गिव रीजन फॉर कंप्लीटिंग द टेबल, मैंने रीजन भी आपको बता दिए अभी, दोबारा सुन लीजिएगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल सॉल्व द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये देखें सब रीजन आपको पता लग जाएंगी, फिर आपने सॉल्व करना है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मतलब यही है कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री भी और पार्टिकुलर इंटीग्रल भी। ये देख लें ये वही है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये डी बाय डी एक्स है, वाई पे ऑपरेट हो रहा है, और ये देखें ये वाला केस जो है ये पहले वाला है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। दूसरा वाला केस आप यहां पर देख लें क्यू जीरो है वाई, इसको आप यहां पर देख लें ये वाला कौन सा केस बनता है, यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव है, यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन मुझे ये वाई वाली टर्म नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये q = 0 ये वाला केस बन गया, ये सेकंड केस ये वाला बन गया, ठीक हो गया। अब आ गया ये वाला केस हो गया कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी गायब हो गया, ये y वाली टर्म भी गायब होगी, और डबल डेरिवेटिव = दिस थिंग, इसको मैंने कहा था डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लीजिएगा। अब आ गया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सेंस में
इसमें देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पॉलिनोमियल भी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, इसमें एक्सपोनेंशियल भी है। अब कहेंगे जी इसको कैसे करना है, इसलिए मैंने कहा था कि उन क्वेश्चंस पे ध्यान दें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 6, उसमें देख लें मैं पीछे नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। यही चीज थी लेकिन राइट साइड पे सिर्फ ये लिखा हुआ था। वहां जो आप पार्टिकुलर सोल्यूशन अस्यूम करेंगे वो यहां पे अस्यूम करना पड़ेगा, दिमाग में रखें इस चीज को, वो यहां अस्यूम यहां भी करना पड़ेगा। फिर था क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें ये वाली चीज थी, ऑपरेटर यही था, वहां पे जो आप पार्टिकुलर सोल्यूशन अस्यूम करेंगे वो यहां पे भी करना पड़ेगा। अब आ गया जी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में देख लें ये वाला केस बनता है, तो पॉलिनोमियल भी अस्यूम करना पड़ेगा। अब कहेंगे जी पॉलिनोमियल भी अस्यूम करना है, एक्सपोनेंशियल भी अस्यूम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी। भाई समझ लें कि इस केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल था इसमें इसमें तीनों को सम करके लिखना पड़ेगा, वो बनेगा इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। फिर सुन लें, इस केस में जो आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल था, इस केस में जो था, समझ ले मैं आसानी के लिए कह रहा हूं, वाई पी वन था, इसमें था वाई पी टू, इसमें था वाई पी थ्री, तो जो वाई पी होगा वो होगा वाई पी वन प्लस वाई पी टू प्लस वाई पी थ्री। ये सिर्फ हिंट्स है, मैं आपको टीच नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं आपका दिमाग खोले बजाय कि 100% यहां से पता लगे। तो यहां पे देख लें, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया तो पहले आपको पता होगा वहां पे क्या था, वो ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 तो पहले पता होगा कि वहां पे क्या था पार्टिकुलर इंटीग्रल, वो ले लें, दोनों को ऐड कर लें। यहां पे सोच लें ये तीसरा कौन सा होगा। आफ्टर ऑल आपका जो सोल्यूशन होगा वो ऐसा होगा कि जो पॉलिनोमियल भी होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सिचुएशन भी होगी, उसमें एक्सपोनेंशियल भी होगा, तभी तो डिफरेंशिएट करके इस तरह की चीज आ रही है। तो ये एक तरह से मैंने सारा बता दिया। तो इस क्वेश्चन को प्लीज कर लीजिएगा, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसने मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स को हर लिहाज से काबू कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मसला पड़ता है स्टूडेंट्स को, जी एग्जाम में पता नहीं लगता और बदकिस्मती से ड्रा भी रहे होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी क्वेश्चन किस मेथड से करनी है। वो भाई समझेंगे तो पता लगेगा ना, और थ्योरी को समझेंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है फॉर द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन कोसाइन हो सकते हैं, वो भी इस तरह के साइन बी एक्स कॉस बी एक्स का, मैं कह रहा था पावर आपके पास वन होगी, बी बेशक 1 मिलियन हो, पॉलीनोमियल हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन सम। इसका तो क्वेश्चन भी आपने लास्ट देखा था ऐसा ही था इस चीज के अंदर, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जो हो जाता है एक्सपोनेंशियल हो तब भी अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लग जाएगा, साइन कोसाइन हो पॉलीनोमियल लग जाएगा, साइन कोसाइन की पावर 1, या इन सब का सम सब्ट्रैक्शन जो भी हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई फंक्शन आ जाता है, और डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि आपके पास नॉन होमोजेनियस का केस है। अब वो कहता है जी सी लेक्चर 24, ठीक है। ये क्यों कहा गया ये देखें जरा, वो कहता है रिकॉल फॉर द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, यानी कि ये बात वहां भी की गई थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, साइन को साइन पॉलिनोमियल या इनका सम या सब्ट्रैक्शन जो भी है, तो आपका अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लग सकता है उसके अंदर। अब एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन आ रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आपने तवज्जो से सुना हुआ है कि जी एक्सपोनेंशियल का तो ठीक है, साइन को साइन का भी ठीक है, अगर उनकी पावर 1 है पॉलिनोमियल भी ठीक है, उनका सम और डिफरेंस वो भी ठीक है, लेकिन क्या मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स यूजफुल होगा टू फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ वन, इसी का, अगर एफ ऑफ एक्स इस तरह का ना हो, किस तरह का ना हो, एक्सपोनेंशियल ना हो, साइन कोसाइन हो लेकिन उसकी पावर वन ना, कोई और हो, क्यूब पावर हो, सेकंड पावर हो, स्क्वायर हो, पॉलिनोमियल ना हो, फिर क्या हो, टेंजेंट एक्स हो सकता है, कॉट एक्स हो सकता है, कोसेकेंट एक्स हो सकता है, सीकेंट एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, ये सारे के सारे इसमें से नहीं है, इनमें से कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, इनमें से कोई साइन कोसाइन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं लेकिन साइन कोसाइन नहीं है, पॉलीनोमियल भी कोई नहीं है। तो अब देख लें इसका आंसर बनता है नहीं, ये लें जी कितना गला फाड़ के वगैरह नो। देखें ये सबसे पहले मैं ये चीज इसलिए भी करता होता हूं कि कोई सिली मिस्टेक्स एग्जाम में ना हो, यहां पे देख लें, लेकिन बदकिस्मती से कुछ स्टूडेंट्स राइट साइड पर टेंजेंट एक्स है, शुरू हो गए जी मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स जो लग ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं लग सकता, देखिए एक्सपोनेंशियल का हमने कहा था ना डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, साथ को कांस्टेंट आ जाता है, कुछ सेंस थी ना, तभी हमने एक्सपोनेंशियल यहां अप्लाई कर दिया था और उसी तरह से अस्यूम किया था ई पावर ए एक्स या एक्स से करें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से। साइन कोसाइन का भी आपने कहा था डेरिवेटिव साइन कोसाइन के ही मल्टीपल होते हैं, तभी हमने इसको भी अस्यूम कर लिया था। पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव भी पॉलिनोमियल होता है, बेशक उसकी डिग्री का मुझे पॉलिनोमियल होता है। अब टेन का डेरिवेटिव तो टेन की फॉर्म में नहीं आता, ये तो कुछ सीकेंट स्क्वायर आता है, कॉट का भी कॉट की फॉर्म में नहीं आता, माइनस को सीकेंड स्केयर आता है, आता है सीकेंड इंटू टेन, सबकी शक्लें बदल रही हैं। लॉग का क्या आता है, 1 ओवर एक्स, दोबारा लॉग तो नहीं आता। तो फिर क्या सेंस बनती है कि जी अगर ये राइट साइड पे लिखो तो फिर हम अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट पे चले जाएं, वो मेथड अब नहीं लग सकता।
ये ले लॉग का करके देख लें, लॉग का सबको पता है डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, 1 ओवर एक्स का क्या होता है, माइनस 1 ओवर एक्स का, ये तो कई बार किया, एक्स को मैं कह रहा था ऊपर ले जाएं, एक्स पावर माइनस 1 है, माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करें और एक्स की पावर एक और काम कर दें, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, एक्स पावर माइनस 2 नीचे चला गया, एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन लॉग एक्स नहीं आएगा, जितनी बार मर्जी डिफरेंशिएट करें लॉग एक्स नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे लॉग एक्स भी है तब भी मेथड ऑफ अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट नहीं लग सकता। तो लिखा हुआ है सो द मेथड ऑफ अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट इज नॉट यूजफुल हियर टू फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्या करें, हो गया ना मसला खराब, लेकिन मैंने वही कहा था हार नहीं माननी, मैं वही कहता हूं फेलियर वो नहीं होता जो फेल हो जाए, फेलियर होता जो हार मान ले, कोई ना कोई हल होगा इसका, तो सलूट मारा जा रहा है, सलूट किसको, स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड ऑयलर, फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुईस लैग्रांज, आगे जी ऑयलर साहब, इनसे तो पहले ही मुलाकात है, एक आंख से देखते हैं, ये हैं जी लैग्रांज साहब, और जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो तो इनके नाम से वाकिफ होंगे, हर जगह जी लैग्रांजियन लैग्रांज इक्वेशंस वगैरह वगैरह, अब देख लें ये भी मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट दोनों ही है, ये हैं जी लैग्रांज साहब, ये लिखा हुआ है 1707-1783, ये ऑयलर साहब, और ये इनका बनता है 1736-1813। क्यों स्नूट मारा है, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स रिस्पेक्टिवली टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। यहां पर देख लें रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा हुआ है, दोनों ने किया था, यहां पर देख लें डेवलप भी किया था और यहां पे देख लें दोनों ने किया था, इसके अलावा रिस्पेक्टिवली के इंट्रोड्यूस भी किया था, डेवलप भी कर दिया था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मतलब कि कब, जैसे राइट हैंड साइड पे लॉग एक्स आ जाए, राइट हैंड साइड पे टेंजेंट एक्स आ जाए, राइट हैंड साइड पे कॉट एक्स आ जाए, राइट हैंड साइड पे सीकेंट एक्स आ जाए, इन शॉर्ट ना साइन कॉस आए जिसकी पावर 1 हो, ना एक्सपोनेंशियल आए और ना ही पॉलीनोमियल, इनके अलावा कुछ आ जाए तो तब लगेगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और अब ये मेथड क्या है, यहां सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट है, डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी, लेकिन स्टेटमेंट समझ लें, देखें इक्वेशन तो वही है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, कांस्टेंट है, नॉन होमोजेनियस है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये पी क्यू कांस्टेंट्स है, से आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और मैं स्टूडेंट्स को बार बार कह रहा हूँ अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना नहीं आता, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, तो आप नॉन होमोजेनियस भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा है C1Y1 C2Y2, Y1Y2 जो है ये सॉल्यूशन बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन के, कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन, ये वाली, ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका होमोजेनियस का, ठीक हो गया, देन बाय रिप्लेसिंग द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। अब ध्यान से देखें C1 C2 को कहते हैं रिप्लेस करते हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस करने लगे हैं फंक्शन से, V1 फंक्शन ऑफ एक्स, V2 फंक्शन ऑफ एक्स, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल ये लिखा हुआ है C1 की जगह V1 आ गया है, C2 की जगह V2, बट V1 V2 दे आर फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखें हर चीज की लॉजिक आ रही है, पिछला जो आपने मेथड किया था बेशक ए टाइम्स ई पावर ए एक्स ए अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट था, बेशक आपने किया ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ए और बी वो फिर आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट्स नहीं थे, वो आपके पास अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट्स थे जो आपने निकालने थे, फिर आपने पॉलीनोमियल भी देखा, पॉलीनोमियल हमने कहा था आप अस्यूम कर लें वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वो एबीसी वो फिर आपके पास अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट्स थे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं थे, तो लॉजिक थी ना उसका नाम क्यों है। अब इसकी भी लॉजिक आ गई, C1 C2 जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रिप्लेस किया इक्वल टू नहीं किया, कॉन्स्टेंट वेरिएबल के बराबर नहीं होता, यहाँ पे देख लें रिप्लेस किया है बाई V1 V2, V1 फंक्शन ऑफ एक्स है, V2 भी फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। लेकिन अब मसला कि V1 V2 क्या है, ये है भाई, कोई मसला नहीं है, V1 इस इंटीग्रल के बराबर है, आपने Y2 को इंटीग्रेट करना है, और ये देख लें अगर यही गलत निकाली होगी तो ये भी गलत हो जाएगा, Y2 को इंटीग्रेट करना है, फिर राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन में टर्म है या वो वाली टर्म जिसमें y नहीं है और y का डेरिवेटिव नहीं है वो यहाँ पे लिखी है, नीचे रॉन्स्कियन है। अब क्लियर हो गया होगा मजीद क्यों कहते हैं रॉन्स्कियन नॉन इक्वल टू जीरो, हो गया ना मजीद लीनियरली इंडिपेंडेंट, जीरो होगा तो जीरो पे तो डिवाइड नहीं कर सकते, ये है जी V1, यहाँ नेगेटिव भी आता है, ये है V2, V2 निकालने के लिए आपने Y1 को इंटीग्रेट करना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय f ऑफ x एंड डिवाइडिंग बाय द रॉन्स्कियन, V1 निकालने के लिए आपने Y2 को आपने इंटीग्रेट करना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय f ऑफ x डिवाइडिंग बाय द रॉन्स्कियन, नेगेटिव बार है।
अब इसका मैं प्रूफ करूंगा, इसका रट्टा नहीं लगाना, इसका मैं प्रूफ करूंगा। हाँ, प्रोवाइडेड उसने कहा हुआ है ये चीज जीरो के बराबर है, वी वन का डेरिवेटिव टाइम्स वाई वन प्लस वी टू का डेरिवेटिव टाइम्स वाई टू जीरो, ये गिवन है, इसमें रट्टा नहीं लगाना। और वाई भी आपके पास है पार्टिकुलर इंटीग्रल जो कि ये वाला है, ठीक हो गया। और डब्ल्यू का है ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके पास है रॉन्सकियन ऑफ वाई वन वाई टू, यहाँ वाई वन लिखते हैं नीचे उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे वाई टू नीचे उसका डेरिवेटिव, और ये नॉन जीरो होता है क्योंकि ये होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये रॉन्सकियन है, जिसको भूल गया वो लेक्चर नंबर 20 देख ले, रेफरेंस मैं बार बार दे रहा हूँ, लेक्चर नंबर 20 देख ले। हाँ, प्रूफ इसका लेक्चर 27 में होगा, और सिर्फ प्रूफ होगा कि ये चीज और ये चीज कैसे आती है। ये है जी प्रूफ ऑफ द वेरिएशन पैरामीटर्स, यानी कि उनका कारनामा आयलर साहब का था, लैग्रांज साहब का, हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 27 में। तो ये लें जी, ये लेक्चर भी खत्म। कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन हुआ जरूर देखिएगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो हमने इस लेक्चर के अंदर भी किया है कि जी अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे जो है, जो आपके पास नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन होती है, जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन या वो फंक्शन जिसमें ना वाई आता है ना उसका डेरिवेटिव, वो आपके पास साइन कोसाइन नहीं है, वो आपके पास एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो आपके पास पॉलीनोमियल नहीं है, साइन कोसाइन की आपके पास जो पावर वन वाला खाता है वो नहीं है, फिर क्या करना है? तो मेथड नहीं लगाना अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट्स, उस पे लगाएंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। ये नहीं जी, दुआ हो रही है अल्लाह करे कबूल हो, और एंड ऑफ लेक्चर नंबर 26। और कबूल होने का मतलब ये भी है कि ये सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि मिड नहीं हुआ या फाइनली हुआ या क्विज नहीं हुआ तो उस तरह सीखा नहीं, आपने उसी तरह से लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है, असाइनमेंट के जरिए उतना ही नॉलेज पकड़ना है, और लर्निंग आउटकम सारी चीज होनी चाहिए। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 27 में।